दोस्तों जंगलों में लिपॉर्ड को काफ़ी ख़तरनाक शिकारी माना जाता है, जो कि हिरन और जंगली सुअर जैसे जानवरों पर हमला करने के लिए जाना जाता है। और वह दोस्तों शेर जैसी बिग कैट्स के बच्चों पर भी हमला कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों वह जंगल के अन्य शिकारियों का शिकार बन जाता है, तो दोस्तों वह उनके सामने कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पर दोस्तों इस लियोपार्ड को एक बब्बर शेर ने और तीन शेरनियों ने घेर लिया था, फिर भी पीछे से एक और बब्बर शेर आ जाता है और उनके सामने इस लियोपार्ड की कुछ नहीं चलती है। यहाँ पर भी दोस्तों एक शेरनी उस लियोपार्ड पर हमला करने के लिए उससे उसका शिकार छिनाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गई थी, लेकिन दोस्तों अचानक से उस पेड़ की टहनी टूट जाती है और वह शेरनी और लियोपार्ड नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही दोस्तों लियोपार्ड को मौका मिलता है, वह वहाँ से भाग जाता है और शेरनी देखती रह जाती है। यहाँ पर भी दोस्तों इन शेर और शेरनियों ने इस लियोपार्ड को काफ़ी बेरहमी तरीके से अपना शिकार बना लिया है, लेकिन दोस्तों लियोपार्ड अपनी जान बचाने की काफ़ी कोशिश करता है। यहाँ पर भी दोस्तों इस लियोपार्ड से उसका शिकार छीनने के लिए एक शेरनी पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन दोस्तों लियोपार्ड और शेरनी आमने सामने होते हैं और जो लियोपार्ड होता है वह उस पर घुर्राता है, लेकिन दोस्तों शेरनी जो है उसका शिकार लेकर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर भी दोस्तों इन शेरनियों ने इस लियोपार्ड का पीछा किया है। दोस्तों लियोपार्ड जो है तेजी से पेड़ पर चढ़ जाता है और शेरनी देखती रह जाती है। दोस्तों ये हैं तीन शेरनियाँ, जो कि लियोपार्ड ऊपर की तरफ टहनी पर सबसे ऊंचाई पर बैठा है। इन शेरनियों में से एक शेरनी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है और धीरे धीरे वह उस पेड़ पर चढ़ जाती है। लियोपार्ड दोस्तों सबसे ऊंची टहनी पर एक शिकार को लिए बैठा है, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर है। शेरनी चढ़ने की कोशिश करती है वहां पर, लेकिन चढ़ नहीं पाती है। दोस्तों यह एक बब्बर शेर है जो कि लियोपार्ड को पीछा कर रहा था और उस पर हमला बोल दिया है। दोस्तों बब्बर शेर जो कि लियोपार्ड को अपना शिकार बना लेते हैं और उन्हें मार देते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों एक शेरनी और लियोपार्ड में काफ़ी भयंकर तरीके से लड़ाई होती दिख रही है। यह लियोपार्ड दोस्तों अपनी जान बचाकर वह पेड़ पर चढ़ जाता है और वह अपनी उस शेरनी से जान बचाता है, लेकिन दोस्तों यह शेरनी दोबारा से कहीं से दूर डोल कर उसके पास आ जाती है और फिर वह भी उस पेड़ पर चढ़ जाती है और उससे लड़ने लगती है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, लियोपार्ड दोस्तों उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों वह शेरनी उससे काफ़ी ख़तरनाक तरीके से लड़ती है। दोस्तों उसे पता चलता है कि उस लियोपार्ड का शिकार नीचे गिर गया है, तो दोस्तों वह नीचे उतरने की कोशिश करती है। शेरनी दोस्तों इनका शिकार छीनने के लिए और छोटे जानवरों को मारने के लिए जानी जाती हैं। अपने ग्रुप में दोस्तों यही शेरनियाँ अन्य छोटे जानवरों अन्य शिकारियों पर हमला करती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस शेरनी ने इस लियोपार्ड पर हमला बोल दिया है और जो लियोपार्ड है वह ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे आगे कोई टहनी नहीं है। वह शेरनी नीचे उतरने लगती है और वह नीचे उतर आती है और उसका शिकार खा लेती है। यहाँ पर भी दोस्तों इन तीन चार शेरनियों ने
इस ल्यूपार्ड को अपना शिकार बना लिया है। और दोस्तों वह इनसे बचने की कोशिश कर रहा है कि वह इसे छोड़ दें, लेकिन दोस्तों वह इन तीन श्रेणियों के आगे कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों ये भी बिग कैट्स हैं और वो भी बिग कैट्स का सदस्य है। दोस्तों ये अपने मुंह से उस पर काफ़ी तेज़ी से हमला कर रही हैं और उसे एक दूसरे की तरफ खींच रही हैं। दोस्तों देखते ही देखते वहाँ पर इन श्रेणियों का झुंड जमा हो जाता है और श्रेणियाँ उस पर लगातार हमला करने लगती हैं और उसे घसीट कर एक दूसरे से छीन कर घसीटना चालू कर देती हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी श्रेणियाँ यहाँ पर इकट्ठी हो गई हैं और उस लियोपोल्ड को अपना शिकार बना लिया है। वह दोस्तों बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके सामने उसकी एक नहीं चलती है और वह दोस्तों चारों तरफ से उस लियोपोल्ड को घेर कर खड़े हो जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन श्रेणियों ने इसे अपना शिकार बनाया हुआ है और श्रेणियाँ अपने पंजों से और मुंह से इस लियोपोल्ड पर हमला करती हैं और उसे मारने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर भी दोस्तों यह श्रेणी ने इस लियोपोल्ड के बच्चे को अपना शिकार बना लिया है, जो कि इस लियोपोल्ड के बच्चे एक पेड़ में थे। लियोपोल्ड जो है दोस्तों पक्षियों को अपना शिकार बनाता है, जो कि लियोपोल्ड और शेर जंगल में ही रहते हैं। यह दोस्तों जंगल की परंपरा है, यह एक दूसरे को मारकर अपना जीवन बिताते हैं, क्योंकि दोस्तों यह बिग कैट्स मांसाहारी होते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ जो लॉइन है वह इसके बच्चों पर घात लगाए हुए बैठा था, जिसने इन बच्चों के एक साथी को अपना शिकार बना लिया है। फिर देखते ही देखते इन दो बच्चों में से एक वहां से निकल जाता है और जो दूसरा शिकारी होता है वह इस फिराक में रहता है कि वह इसके बच्चों को खा सके। फिर मादा लियोपोल्ड पेड़ की गुफा में दोबारा आ जाती है और अपने बच्चों को देखने लगती है, लेकिन दोस्तों उसे सिर्फ एक बच्चा ही दिखाई देता है, जो कि उसमें से एक बच्चे को शेर खा गया था। यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं कि इस लियोपोल्ड ने उस पक्षी को अपना शिकार बना लिया है और लियोपोल्ड उसे खा जाता है। सिनी जो है दोस्तों वह उसे देखती है और उसका पीछा करती है कि उसे उसके बच्चे को खाने का मौका मिल जाए। और दोस्तों लियोपोल्ड जो है वह अपने बच्चे को देखता है कि वह कहां पर चला गया और वह चिल्लाता रहता है। यह मादा लियोपोल्ड है जो कि अपने बच्चे की राह देख रहा है, लेकिन दोस्तों उस लियोपोल्ड के बच्चे को इस शेर ने अपना निवाला बना लिया है। तो दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं कैसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।